वो तो सब छिप जाएंगे नीचे वो भी आज पाई कहीं उसमें ये भी ठीक बात पिछला मेला दस वाला भी वो नहीं अखाड़े में मनिए होती है। नमस्कार, ओम नमो नारायण। आप हैं निरंजन अखाड़े की उस छावनी में जो ऐतिहासिक छावनी है और प्रति महाकुंभ से पूर्व जहां सभी नागा साधु यहाँ वहाँ से चाहे हिमालय के कोने कोने से भारत के कोने कोने से आकर के यहाँ एकत्रित होंगे, यहीं एक सप्ताह निवास करेंगे और यहाँ का पूरा स्वरूप आप देख सकते हैं। ये एसएम जैन कॉलेज का परिसर है। एसएम जैन कॉलेज निरंजन अखाड़े का ही कॉलेज है और हमारे पूज्य महंत श्री रविंद्रपुर जी महाराज के ही देखरेख में पूरा कॉलेज और अखाड़ा संचालित होता है। आप ही की अध्यक्षता में ये महाकुंभ का पहला पड़ाव सभी साधुओं का यहाँ एकत्रित होने वाला। कल आपको ये वो भव्य दृश्य देखने को मिलेगा जहाँ पर मड़ियाँ सजेगी, नागा साधु बबूते के साथ सजेंगे, कोतवाल सजेंगे, महंतों के माथे पर आपको सुंदर साफा दिखेगा और एक अद्भुत भव्यता जो साधुओं में होती है, सन्यासियों में होती है, वो भव्यता आपको कल देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मड़ियाँ बनी हैं, ये जो टेंट लगे हैं ना, ये कोई साधारण टेंट नहीं है। इन टेंटों के पीछे बड़ी भारी एक दृष्टात्मक कहानियाँ हैं। ये सब 18 धुने बने हैं, 18 टेंट बने हैं। अखाड़े के अंदर में डिवीज़न होते हैं अलग अलग प्रकार के। हम 10 नाम सन्यासी हैं, 10 नाम सन्यासियों के अलग अलग मड़ियों के स्वरूप में अखाड़ा विभाजित है आदिगुरु शंकराचार्य की परंपरा के द्वारा। वह अखाड़े, वह मड़ियाँ गिरिपुरी के रूप में यहाँ लगती है। दावे के साथ ये सब मड़ियाँ सुसज्जित होगी और सबके सब एक सप्ताह यहाँ अलाव के साथ, धुने के साथ, अपनी साधना के साथ निवास करेंगे। स्वयं भगवान कार्तिकेय का स्वरूप भगवान का भाला यहाँ निवास करेगा। भगवान के यहाँ आने का तात्पर्य यह है कि पूरे समग्र भारत के सभी नागा साधुओं का इस स्थान पर आना। लगभग 2 से 3 हज़ार की संख्या में नागा साधु यहाँ निवास करेंगे और 3 मार्च को उस भव्यता के साथ भगवान शिव की बारात, भगवान शिव की महापेशवाई यहाँ से आरंभ होकर के हमारे अखाड़े के उस गंगा के तट पर, गणेश घाट पर पहुँचेगी जहाँ पूरा कुंभ, पूरी जमात वहाँ निवास करेगी और वहीं से साई स्नान होंगे और वहीं से अखाड़े के सारे कार्यक्रम निष्पादित होंगे हमारे पूज्य महंत रविंद्रपुर जी महाराज की अध्यक्षता में। तो ये बहुत अद्भुत संयोग होगा जिसे आप देखेंगे। ओम नमो नारायण।